हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास टेंथ के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाया जा रहा है, समांतर श्रेणी का। और इसमें पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसके जितने सारे भी क्वेश्चन थे उसको बनाए थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, माने रिक्त स्थान में जो पद खाली पड़ा है इसको आपको फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। और इसमें 5 क्वेश्चन है, इस 5ों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान है, इसमें एक नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें 2 दिया है, फिर रिक्त स्थान को भरना और फिर 26 दिया है। तो देखिए, इसमें ये जो रिक्त स्थान को भरना है ना, आप इसको x मान सकते हैं, आसान रहेगा बनाने में। अब देखिए, समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है इक्वल होता है, यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो जो d आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो जो d आएगा, ये कॉमन डिफरेंस हुआ, समांतर श्रेणी में इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए सेकेंड पद में से जब पहला पद को घटाइए तब, अच्छा है, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए तब, दोनों सेम ही आएगा, यानी x में से 2 को घटा के देखिए तब, अच्छा है, 26 में से x को घटा के देखिए तब, दोनों सेम होगा। माइनस x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और 26 है तो 26, माइनस 2 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो x और x हो जाएगा 2x बराबर 26 और 2 28, तो x बराबर 28 और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 14 बार में लिख देंगे, इसलिए x बराबर 14। तो हमें जो खाली पद का वैल्यू निकालना था वो कितना आ गया, 14 आ गया। तो एक नंबर तो काफ़ी आसान था। अब आइए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आप यहाँ पे पहला पद नहीं है, ये आपको निकालना है, दूसरा पद 13 दिया है, तीसरा पद नहीं है ये आपको निकालना है, चौथा पद दिया है कितना, 3। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहली चीज़ कि दूसरा पद दिया है कितना, 13, और फिर चौथा पद दिया है कितना, चौथा पद दिया 3। तो फिर इसको बनाने के लिए आप करेंगे क्या, फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको पिछले क्लास में बताए थे। लेकिन यहाँ पे सोचिए, n जैसे यहाँ पे दूसरा पद 13 दिया, तो n के जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 भरिएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा। इसके लिए देखिएगा, t4 बराबर 3 जो दिया है, तो यहाँ n के जगह पे 4 है, तो 4 भरिएगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3, यानी a प्लस 3d। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि दूसरा पद है तो a प्लस 1d, तो 1 तो लिखते नहीं है तो केवल d लिखिएगा, 1 प्लस d इज इक्वल टू 13, और फिर चौथा पद है तो इसके लिए लिखेंगे 1 प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसलिए क्योंकि देखिए, a प्लस यहाँ पे 4 चौथा पद है तो 4d नहीं लिखेंगे, a को घटा के लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 इंटू डी, तो चूंकि n में से 1 घटाना है इसलिए 4 में से 1 घटा के आप लिखेंगे। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को घटाने पर, घटा के चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखिएगा, a प्लस डी इज कल टू 13 है इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड a प्लस 3d इज कल टू 3, घटाइएगा तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, d में ये प्लस a माइनस a कट गया, d में से 3d को घटाइएगा तो माइनस 2d, और 13 में से 3 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 10, यानी d इज कल टू 10, ये माइनस 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 × 5 = 10, यानी d इज कल टू हो गया -5। अब यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो ए प्लस डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 13, तो ए है और डी कितना है, -5 इजकल टू 13, तो ए इजकल टू हो जाएगा 13, और -5 को उधर भेजेंगे तो +5, यानी ए इजकल टू कितना हो गया, 18। तो इसलिए हमारा जो पहला पद है ये कितना आ गया, 18 आ गया, तो यहाँ पे हम 18 फिल कर सकते हैं, ये 18 हो गया। और फिर इसके बाद तीसरा पद भी तो निकालना है, तीसरा पद यानी t3, तो
तो टी थ्री निकालना है तीसरा पद, तो इसके लिए दो तरीका है, 13 में डी को जोड़ दीजिए, 13 और डी कितना है माइनस पाँच, उसको जोड़ दीजिए, 13 में डी को जोड़ दीजिएगा माइनस पाँच को, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस, तो 13 माइनस पाँच कर दीजिएगा तो कितना आएगा 8, यानी यहाँ वाला पद कितना आ गया 8। तो इस प्रकार इसमें जो खाली पद था उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एक ये वाला हो गया आंसर और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आइए तीन नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और देखिए तीन नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा इससे अलग है, और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में देख के घबराना नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5 सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, और फोर्थ टर्म जो है 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है। तो आप बताइए फोर्थ टर्म दिया हुआ है a4 = 9 पूर्णांक 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a4 निकालने का फॉर्मूला a+3d, अभी बताया ना कि यहाँ जो रहेगा उसमें से एक घटा के d लगा देना बस आपको, 9 × 18 = 19/2, बताइए a कितना है, a के जगह पे 5 भर सकते हैं आराम से, +3d = 19/2, तो 3d = हो गया 19/2, और ये 5 जो है प्लस में देख रहा है, इधर आएगा तो 5 क्या होगा माइनस में, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया तो 19 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 × 10, 19 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 3d है, आप क्या कीजिए कि डी 3 × में है, इधर भेजेगा तो 3 क्या होगा डिवाइड में, तो 3 × 9, यानी डी का वैल्यू निकल गया 3/2, डी का वैल्यू कितना निकल गया 3/2। और आप सबको पता है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डी को जोड़ते जाते हैं, डी को जोड़ते जाइएगा अगला पद निकलते जाएगा, तो पहला पद 5 है, आपको दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे 5 में इस डी को जोड़ देंगे, 5 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 13/2, फिर तीसरा पद भी निकालना है, तो 13/2 ये वाला है ना, दूसरा पद 13/2 आया, तो 13/2 में अब डी को जोड़ दीजिए, +3/2, तो 13/2 = 3/2, 16/2 हो गया, कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी यही दोनों हमारा आंसर हो गया, 13/2 और यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे 8। तो तीन नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, अब इसके बाद आइए चार नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं, चार नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, तो देखिए चार नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पद है -4 और सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म ये निकालना है, और सिक्स्थ टर्म जो है 6 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद कितना दिया है 6 दिया है, तो लिख दिए t6 = 6, t6 के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, a+6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बचेगा और d लगा देंगे, a+5d = कितना है 6 है, एक a के जगह पे भर सकते हैं -4, अब +5 है तो 5 और d = 6, तो हो गया 5d = 6, और ये -4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी d = 6 और 4 = 10, और ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अब बताइए 5 × 10, तो d का वैल्यू निकल गया 2। अब D को जोड़ते जाइए, पहला पद 4 दिया है, आपको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद के लिए क्या कीजिएगा, -4 है ना पहला पद, इसमें D को जोड़ दीजिए +2, तो कितना हो जाएगा -2, तीसरा पद निकालने के लिए -2 ये आया है, दूसरा पद आया -2, इसमें D को जोड़ दीजिए तो -2 और +2 = 0 हो जाएगा, चौथा पद के लिए तीसरा पद 0 आया है, इसमें D को जोड़ दीजिए तो 0 और 2 = 2 हो जाएगा, पांचवा पद के लिए क्या कीजिएगा, ये 2 आया है चौथा पद, इसमें D को जोड़ दीजिए तो D कितना है 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर जो है होगा -2, 0, 2 और फिर 4। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हम लोग का 5 नंबर, इसको भी हम लोग बना लेते हैं, और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5 नंबर में दिया गया है पहला पद आपको फाइंड करना है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और छठा पद -22 है। तो देखिए पहले दूसरा पद दिया है t2 = 38, तो फिर दूसरा पद के लिए फॉर्मूला a+1d, बिकॉज इसमें से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली 1 a+d = 38, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद छठा पद दिया है t6 = -22, तो ये हो जाएगा a+5d = -22, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए, समीकरण फर्स्ट से
सेकेंड को घटाने पर आप घटाकर चेक कीजिए कि क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 है। घटाइएगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस a माइनस a कट गया, d में से 5d को घटाइएगा तो -4d, अब बराबर 38, ये प्लस हो चुका है तो 38 में 22 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 60, तो d इज इक्वल टू हो गया 60, माइनस 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 4 से कितने बार में कटेगा, 15 बार में, और फिर माइनस है तो माइनस तो रह ही जाएगा, तो d इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि d का जो मान निकला है, d के मान को, d के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बताइए समीकरण फर्स्ट क्या है जी, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है, तो ये हो जाएगा a, आप प्लस डी का वैल्यू निकला -15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू, देखिए -15 उधर जाएगा तो क्या होगा, +15, तो 38 में आप 15 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 53, 53 हो जाएगा, यानी a के जगह पर कितना आ गया 53, तो पहला पद तो निकल गया, दूसरा पद तो ऑलरेडी दिया था, अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद कितना है 38 है, इसमें आप जोड़ दीजिएगा, d को जोड़ते जाइएगा तो d है -15, इसको जोड़ दीजिए तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 38 में से 15 को घटाइएगा तो कितना आएगा 23 आएगा, फिर चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद 23 आया है, इसमें आप -15 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 23 में से 15 घटाइएगा तो 8 बचेगा, पांचवा पद के लिए 8 आया चौथा पद, इसमें से इसमें जोड़ दीजिए डी को -15 को, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 15 घटा दीजिएगा तो -7, तो ये जो है हमारा आंसर सब होगा, और चार गो जो फिल करना था वो चारों आंसर हमारा आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अगले वीडियो में इस चैप्टर में और भी जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग बना लेंगे।